एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 3 के रिक्त पड़े पार्षद पद के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां कल सोमवार को मतदान होगा और वार्ड की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों का हार जीत का फैसला करेगी। मनेन्द्रगढ़ के वार्ड क्रमांक 3 का पार्षद पद को न्यायालय ने संपूर्ण जानकारी के अभाव में शून्य घोषित कर दिया था, जिस पर एक बार फिर रिक्त पड़े वार्ड में उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 3 में मतदाताओं की कुल संख्या 898 है, जो कल सोमवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गौरतलब है कि वार्ड क्रमांक 3 में होने वाले उपचुनाव के लिए एक मतदान केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर मतदान दल के साथ पुलिस बल की पूरी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि कल होने वाले वार्ड पार्षद उपचुनाव में भाजपा एवं कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और जिनका हार जीत का फैसला कल यानी सोमवार को वार्ड के जागरूक मतदाता करेंगे। 12 जनवरी को परिणाम आएगा। नंबर 3 में जो उपचुनाव है, हमारा मतदान दल जो है तो मतदान केंद्र में पहुंच चुका है और संपूर्ण जो है तो तैयारी कर ली गई है। व्यवस्था संपूर्ण निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश आए हैं उसके तहत संपूर्ण तैयारी हो गई।